यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। उधर बाराबंकी गैंगरेप के मामले में पुलिस की संवेदनहीनता सामने आई है। अपहरण के बाद गैंगरेप के मामले में पुलिस ने पीड़िताओं को एक हफ्ते तक थाने में बिठाए रखा। मामला थाना देवा इलाके का है, जहां पर पीड़िता का आरोप है कि बीते 7 जून को गांव के दबंगों ने विवाहिता का अपहरण कर लिया और उसको बंधक बनाकर हरदोई जनपद के संडीला ले गए, जहाँ 3 दिनों तक उसके साथ रेप किया गया और पीड़िता को बस स्टैंड पर छोड़कर दबंग फरार हो गए। मामले में परिजनों का आरोप है कि थाने में बुलाकर बैठाया जाता है और सुनवाई नहीं की जाती है। पुलिस लगातार 50,000 रुपए लेकर सुलह करने का दबाव बना रही है और मेडिकल नहीं करा रही है। मामले में वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की तो 10 दिनों बाद युवती को पुलिस ने मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेजा। 10 जून को एक मुकदमा लिखाया गया था, जिसमें लड़की के गायब होने के 300 कराया गया था। लड़की की पुलिस ने बरामदगी कर ली है तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए, और अभियुक्त इसमें गिरफ्तारी बहुत तेज़ी से करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस इसमें 2 टीमें बना दी हैं और बहुत तत्परतापूर्वक इसको 2-3 दिन में लड़के की गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। दिनांक 17 जून को थाना देवा पे एक व्यक्ति के तहरीर पे मुकदमा कायम किया गया कि उनकी 366 और 376 IPC में, जिसमें 2 व्यक्तियों ने उनकी लड़की के साथ जो बलात्कार के आरोप लगाए थे। पुलिस ने तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया और आज पुलिस ने संबंधित आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया, जिसको जेल भेजा जा रहा है और जिसमें मेडिकल कार्रवाई पूरी की जा रही है।